बात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 7 होशियार बकरे के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें विपत्ति में हिम्मत और धीरज से काम लेना चाहिए। तो आज बच्चों हम उसी पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, आज अपनी कक्षा में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द अर्थ से। तो बच्चों आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, अभी जो हम करेंगे वो सबसे पहले करेंगे हम शब्द अर्थ, ठीक है। तो देखिए, मेमना शब्द का क्या अर्थ है? बकरी का बच्चा। विपत्ति, विपत्ति मतलब परेशानी। साहस, साहस मतलब हिम्मत। विश्वास, विश्वास का मतलब यहाँ पे है भरोसा। ठीक उसी प्रकार धैर्य, धैर्य मतलब धीरज। और शीतल, शीतल का मतलब है ठंडा। तो बच्चों ये शब्द अर्थ है। इसके बाद ये जो आपको श्रुतलेख यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन श्रुतलेख शब्दों को आपको पढ़ के समझ के और फिर इनका लिखित अभ्यास करेंगे आप, ठीक है। श्रुतलेख अभ्यास आप इन शब्दों का करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पाठ के क्या है? मौखिक प्रश्न। तो चलिए अब हम मौखिक प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले, जंगल में कौन चर रहा था? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम पाठ के आधार पर देंगे। तो जंगल में, जैसा कि आपको सभी को पता है, जंगल में बकरी और उसका मेमना चर रहा था, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको उत्तर? जंगल में बकरी और मेमना दोनों चर रहे थे, ठीक है। अब बच्चों खै पाठ देखिए। बकरी ने मेमने को क्या सीख दी? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, बकरी ने मेमने को सीख दी कि हमें मुसीबत या विपत्ति में बुद्धि और हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों गैप पार्ट हमारा है कि नदी का पानी कैसा था, हमें किसका आंसर देना है? कैसा था? तो हम क्या लिखेंगे? नदी का पानी ठंडा और मीठा था, ठीक है बच्चों। चलिए गैप पार्ट देखते हैं। मेमने ने किसे गंदा कहा? आपको बताना है कि वो कौन है जिसे मेमने ने गंदा कहा। बिल्कुल आप सभी जानते हैं, मेमने ने भेड़िए को गंदा कहा। तो बच्चों ये हमारे 4 मौखिक प्रश्न थे। चलिए अब हम लिखित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला जो हमारा कह पाठ है, नदी ने बकरी और मेमने को क्या सूचना दी? आपको सूचना बताने की, क्या सूचना थी जो नदी ने बकरी और मेमने को बताई? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, नदी ने बकरी और मेमने को बताया कि जल्दी से पानी पीकर वापस जंगल में चले जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद नदी पर भेड़िया आने वाला है, ठीक है ना। तो हम इसका उत्तर यही लिखेंगे, भेड़िए के आने की सूचना दी कि कुछ देर बाद यहाँ पर भेड़िया आने वाला है, आप लोग पानी पी के यहाँ से चले जाओ। खै पाठ देखो बच्चों, खै पाठ हमारा क्या है? बकरी और मेमने को देखकर भेड़िए ने क्या कहा? क्या कहा बच्चों भेड़िए ने, आपको ये बताना है। तो हम पाठ के आधार पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बकरी और मेमने को देखकर भेड़िए ने कहा कि अरे वाह, आज तो नदी के शीतल जल के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन भी खाने को मिलेगा, पहले मैं इन दोनों को खाऊंगा और फिर नदी का ठंडा पानी पीऊंगा, यही कहा था ना बच्चों। तो हम अपने प्रश्न में जो प्रश्न का उत्तर है वो भी यही लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैपाट, मेमने ने भेड़िए को क्या कहा?
यस बच्चों, अब आपको ये बताना है कि जब भेड़े ने उनसे खाने की बात की तो मेमने और बकरे ने जो प्लान बनाया था, जो सोचा था इस मुसीबत से बचने के लिए, उसने भेड़िए को क्या कहा? तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा बच्चों, मेमने ने भेड़िए से कहा कि छी, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है, ऐसा लगता है कि महीनों से तुमने अपना मुंह नहीं धोया। ठीक है ना बच्चों, यही कहा था ना उसने। तो चलिए हम अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा लिखित का गृह पाठ। भेड़िया नदी के किनारे क्यों गया? वो नदी के किनारे क्यों गया बच्चों? तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि जैसे ही मेमने और बकरी ने कहा कि उनका गंदा चेहरा है, किसका? भेड़िए का, तो वो नदी के किनारे अपना चेहरा देखने और मुंह धोने के लिए गया। ठीक है ना, आपको पता है ना, भेड़िया नदी के किनारे अपने चेहरे को धोने के लिए गया। हम इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर थे। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमारा सेकंड प्रश्न है जिसमें आपको तीन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उस पर टिक लगाना है। तो हमारा प्रश्न है, बकरी और मेमना कहाँ घास चर रहे थे? तो बिल्कुल बच्चों, इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, जंगल में। कहाँ घास चर रहे थे? जंगल में। उसके बाद देखो बच्चों, खै पाठ, बकरी और मेमने ने नदी के तट पर पहुंचकर क्या पिया? क्या पिया था बच्चों नदी के तट पर? तो बिल्कुल पानी, दूध, चाय, इन तीनों में से हम किस पे टिक लगाएंगे? पानी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए गै पाठ, भेड़िए को नदी में धक्का किसने दिया? तो बिल्कुल बच्चों, मेमने, बकरी या वह स्वयं गिर गया, इन तीनों में सही उत्तर क्या है? बकरी। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड प्रश्न था जो हमने हल किया। बाकी का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे।